तो मेरे भाइयों, जियो ने अपना नया एयर फाइबर लॉन्च कर दिया है, और इतना ही नहीं, मैंने उसको अपने घर पे लगवा भी लिया है। जानना चाहते हो, आओ मेरे पास, मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मैंने कहां पे जियो फाइबर लगवाया है। आओ मेरे पीछे, मैं दिखाना चाहूंगा। सो आप ना यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो भाई जी, ये है मेरा नया जियो एयर फाइबर, देख सकते हैं बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में। और भाई पीछे से भी देख सकते हो, ठीक है, पीछे से अगर दिखाना चाहूँ तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके का स्टैंड, और ये यार पीछे से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। चार ये लैन पोर्ट है, एक वैन है, एक पावर के लिए, ठीक है। ये नया जियो एयर फाइबर है, विश्वास नहीं होता भाई जी, आप इसको खरीद सकते हो, ठीक है। तो मेरे भाई, अब आपको बुकिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना ही आप ये बोल सकते हो कि आपको ये भाड़े पे मिला है। जब आप कनेक्शन कटवाओगे तो आपसे ले जाएंगे, अब ऐसा नहीं होगा। आप इस जियो एयर फाइबर को खुद खरीद सकते हो, क्योंकि मार्केट में ये आ चुका है। सारा कुछ बता के जाऊंगा वीडियो में, बने रहना। सवाल मेरे भाइयों, मेरा नाम कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पर 3। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, असल में पता क्या है, जियो ने एयर फाइबर जैसा बिल्कुल दिखने वाला भाई जी अपना जियो रेंज एक्सटेंडर लॉन्च कर दिया है, ठीक है, जो भाई सेम टू सेम जियो एयर फाइबर की तरह दिखता है। मतलब कहने का ये है भाई जी कि दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम टू सेम है, पिछले पोर्ट सेम है, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, सब जगह से भाई जी राउटर इनका सेम टू सेम इन्होंने ये वाला लॉन्च कर दिया है, ठीक है ना। और भाई जो आप जियो फाइबर लगवाते हो ना, वो तो आपको कनेक्शन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और जब आप कनेक्शन कटवा दोगे ना, तब भाई जी वो आपके घर से ले जाएंगे। बट भाई जी, जैसा कि भाई जी इन्होंने अपना जियो रेंज एक्सटेंडर लॉन्च किया है, मान लो आपने जियो एयर फाइबर लगवा लिया है, ठीक है, और भाई जी आप रेंज को एक्सटेंड करना चाहते हो, कहने का मतलब आपने नीचे लगवाया है जियो एयर फाइबर, और भाई आप दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल पे रहते हो और आपको रेंज एक्सटेंड करनी है, उसके लिए आप इनका नया राउटर जो जियो रेंज एक्सटेंडर के तौर पे लॉन्च किया गया है, जो सेम टू सेम जियो एयर फाइबर के राउटर की तरह ही दिखाई देता है, वो आप खरीद सकते हो। कहां से? जियो मार्ट से, ठीक है, जियो मार्ट से भाई जी खरीद सकते हो। और ये भी नहीं है भाई, जो जियो ने अपना रेंज एक्सटेंडर लॉन्च किया है ना, ये नहीं है कि ये केवल जियो के इंटरनेट के साथ ही वर्क करेगा, जैसे कि जियो एयर फाइबर या जियो फाइबर। भाई जी कोई भी आपके पास बीएसएनएल लगा है, एयरटेल लगा है, जियो फाइबर लगा है, कोई भी इंटरनेट कनेक्शन लगा है ना, और उस इंटरनेट कनेक्शन की आप रेंज, राउटर की रेंज एक्सटेंड करना चाहते हो किसी भी राउटर की, तो मेरे भाई आप ये वाला जियो रेंज एक्सटेंडर वाला डिवाइस या फिर राउटर परचेज कर सकते हो। कितने का देखने को मिलेगा? जियो मार्ट के ऊपर 5,999 रुपए का देखने को मिल जाता है। और भाई इतना ही नहीं है, मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो आपको दी है कि आप एज ए रेंज एक्सटेंडर कैसे यूज कर सकते हो जियो एयर फाइबर वाले राउटर को। भाई सेम टू सेम राउटर है, कोई फर्क तो है नहीं है, ठीक है ना, बट फर्क इतना है कि जियो एयर फाइबर वाले राउटर में हमें POE स्विच दिया जाता है, अडेप्टर दिया जाता है, बट जैसे आप जियो मार्ट से ये वाला रेंज एक्सटेंडर अगर ऑर्डर करोगे तो आपको POE स्विच, मतलब वो वाला अडेप्टर नहीं, नॉर्मल आपको अडेप्टर देखने को मिलेगा इसके साथ। इसका फायदा ये है कि अगर आप ये वाला राउटर है ना ऑर्डर करके मंगवा लेते हो, तो भाई जियो वाले आपसे लेने नहीं आएंगे, क्योंकि आपने इसकी पूरी कीमत दे दी है 6,000 रुपए, ठीक है। और भाई इसके ऊपर आपको वारंटी गारंटी वगैरह भी मिलेगी, 1 साल की भाई राउटर की वारंटी है, और भाई 6 महीने की आपको जो इसके साथ अडेप्टर दिया जाएगा उसकी वारंटी आपको देखने को मिलती है। और भाई इतना भी बता देता हूं, एज ए रेंज अगर एक्सटेंडर इस राउटर को आपको यूज करना है, आपने ये वाला परचेस करना है, या फिर आपने मतलब जियो एयर फाइबर आपके घर में मतलब के राउटर वैसे ही पड़ा हुआ है जो जब आपने कनेक्शन लिया था, तब भाई जी आपको पावर तो इसको देनी ही पड़ेगी, ठीक है, पावर दे देना। फिर भाई जी जो नीले वाला पोर्ट आता है भाई, वो
आपके काम नहीं आएगा, बट हाँ उसके साथ ही जो वैन एंड लैन वाला पोर्ट है, जो येलो कलर के चार पोर्ट है ना, उनमें से जो फर्स्ट वाला पोर्ट है उसे वैन लैन पोर्ट बोलते हैं भाई, उसमें ही आपको ठीक है RJ45 केबल लगा के मेन इंटरनेट जिसमें से आ रहा है ना उस राउटर के लैन पोर्ट में लगाना है, फिर ही भाई आप इसे रेंज एक्सटेंडर के तौर पे यूज कर सकते हो। ठीक सो मेरे भाई, जैसा कि जो डिफॉल्ट हमें जियो फाइबर में राउटर देखने को मिलता है ना, उसमें DHCP वाला सिस्टम ऑफ करना पड़ता है। कैसे करना है, इसको लॉग इन करना पड़ेगा राउटर में पहले, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी शायद हो सकता है DHCP वाला सिस्टम आपको ऑफ करना पड़ सकता है, अगर भाई आप इस राउटर को किसी अदर इंटरनेट से जोड़ेंगे एज ए रेंज एक्सटेंडर यूज करेंगे। अगर जियो का होगा शायद DHCP वाला सिस्टम आपको ऑफ करना ना पड़े, बट फिर भी इसमें लॉग इन करके आपको DHCP वाला जो सिस्टम है ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है, वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, वहां पे जाके आप प्रॉपर रूप से समझ सकते हो कि राउटर में लॉग इन कैसे किया जाता है और कैसे DHCP को ऑफ किया जाता है। सारी स्पेसिफिकेशन इस राउटर की मैं आपको बता के जाऊंगा, बट सबसे बड़ी बात ये है कि क्यों जियो ने एयर फाइबर जैसा राउटर एज ए जियो रेंज एक्सटेंडर फिर से क्यों लॉन्च कर दिया, ठीक है। सो मेरे भाई सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जियो ने ना पहले भी अपने जियो एक्सटेंडर वगैरह लॉन्च किए हैं, जैसे कि वाईफाई मैश एक्सटेंडर वगैरह, ठीक है। सो आप ना अगर जैसे कि जियो फाइबर के लिए लेना चाहते हैं तो भाई उसके लिए अलग मैश राउटर इन्होंने निकाला है, मतलब कि एज ए रेंज एक्सटेंडर अगर यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो भाई ये सीधा ही टारगेट जियो एयर फाइबर को लेके किया गया है। अगर आप जियो एयर फाइबर की रेंज एक्सटेंड करना चाहते हो उसके लिए भाई जी स्पेशली, मतलब अगर आपको राउटर नहीं मिल रहा था तो स्पेशली उसके लिए ही कंपनी ने लॉन्च किया है। बट जैसा कि मैं बता के हटा हूं कि जरूरी नहीं है कि जियो में ही आप रेंज स्टैंड के लिए इस राउटर को यूज कर सकते हो, अदर इंटरनेट में भी ये वाला राउटर इस्तेमाल हो सकता है। और भाई मेरे को ऐसा लगता है कि जियो ने सेम टू सेम जियो फाइबर के लिए एज ए एक्सटेंडर इसीलिए इसको लेके आए हैं क्योंकि भाई इनके पास स्टॉक ज्यादा पड़ा होगा, समझ पा रहे हो ना। इन्होंने ढंडोरा ही इतना पीटा है कि एयर फाइबर बहुत अच्छी स्पीड देता है, गेमिंग कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो कंपनी को अपने प्रोडक्ट के ऊपर शायद विश्वास बहुत ज्यादा हो गया था कि हमारे प्रोडक्ट बिकेंगे ही बहुत और इनके पास हो सकता है भी बहुत ही स्टॉक पड़ा हो भाई इस राउटर का, ठीक है ना। तभी भाई एज ए एक्सटेंडर के रूप में ये इन्होंने लॉन्च कर दिया, ठीक है। सो सारी स्पेसिफिकेशन इसमें हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि भाई हम सभी को पता है कि वाईफाई 6 के साथ ये देखने को मिलेगा। वहां पे देख लो भाई, सीधा इन्होंने यहाँ पे लिखा है सीमलेस कनेक्टिविटी विद ट्रू AI मैश सॉल्यूशन फॉर जियो एयर फाइबर, मतलब ये एयर फाइबर को देखते हुए ये राउटर स्पेशली एयर फाइबर वाले बंदों के लिए ही लॉन्च किया गया है। अप टू 6000 Mbps की हाई स्पीड कनेक्टिविटी के साथ मिलता है, ठीक है। एक्सपेंसिव एंड वाइड कवरेज फॉर योर होम अप टू 2000 square feet, सो एडवांस सिक्योरिटी विद द लेटेस्ट WPA3 प्रोटोकॉल को भाई जी सपोर्ट करेगा, कनेक्ट 4x मोर डिवाइसेस को ये सपोर्ट करेगा, ठीक है जी, और MU मीमो को, ठीक है, ये सपोर्ट करेगा सेमलेस डाटा ट्रांसमिशन को, ठीक है। और भाई इतना ही नहीं है, इजी इंस्टॉलेशन हो जाती है और 10 मिनट लगेंगे आपको करेक्ट करने के लिए जियो होम ऐप में, ठीक है जी। जियो होम ऐप में आप इसका सारा चिट्ठा देख सकते हो भी कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं मेरे इस वाले राउटर से। बट भाई सच में आपको ट्रूली गाइड करना चाहता हूं कि अगर आपके मन में ये है कि जैसा जियो फाइबर का राउटर है मेरे को वैसा ही एज ए रेंज एक्सटेंडर भी लेना है, तब आप ये वाला ले सकते हो, अगर आपको एयर फाइबर वाला राउटर पसंद है, उसके फीचर पसंद है, ठीक है। बट भाई देखो 6000 रुपये खर्च करना है, ठीक है, और मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा समझदारी वाली बात होगी, ठीक है। एज ए रेंज एक्सटेंडर आप और भी काफ़ी सारे राउटर ले सकते हो, जैसे TP-Link का, ठीक है, मैश वाईफाई राउटर
ऑर्डर आता है भाई जी, अमेजोन के ऊपर सर्च करोगे तो आपको टीपी लिंक के देखने को मिल जाएंगे, और भाई जी और काफ़ी सारी कंपनियों के भाई आपको एज ए वाईफाई रेंज एक्सटेंडर राउटर देखने को मिल जाते हैं। आप भाई वो ले सकते हो जो कि भाई इससे काफ़ी गुना सस्ते देखने को मिल जाते हैं। बट भाई जी जियो एयर फाइबर वाले जो एक्सटेंडर के रूप में भी ये अभी लेके आए हैं भाई, उसमें दिक्कतें हैं थोड़ी बहुत, जैसे कि 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज को अलग नहीं कर सकते, अलग-अलग नहीं कर सकते, वो भाई एक कंबाइन होके ही हमें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। बाकी भाई राउटर तो अच्छा है, राउटर में कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना बता देना चाहता हूँ कि जियो एयर फाइबर के कनेक्शन के साथ जो है ना इंडोर यूनिट यानी कि राउटर देखने को मिलता है, और ये जो रेंज वाईफाई एक्सटेंडर के तौर पे लॉन्च किया गया है ना भाई जी, ये अलग अलग नहीं है, ये सेम ही राउटर है, ठीक है, वो भी एज ए मैश के तौर पे ही यूज हो रहा है, और ये भी एज ए रेंज एक्सटेंडर के तौर पे ही यूज हो रहा है, वो भी रेंज एक्सटेंडर ही है जो एयर फाइबर के साथ हमें राउटर मिला था, और अगर हम सेपरेट लेने जाएंगे ये भी रेंज एक्सटेंडर ही है, बस जो हमें बस फर्क इतना ही है कि भाई जो जियो एयर फाइबर जब हमने कनेक्शन लिया था उसमें पीओई स्विच मिला था, अडेप्टर मिला था स्पेशल किस्म का, जिसमें हमें कनेक्टिविटी भाई जो आउटडोर यूनिट की भी मिलेगी, ठीक है, उसके थ्रू प्रॉपर एक फाइबर कनेक्शन बनता है, बट इसके साथ हमें जो रेंज एक्सटेंडर ये वाला राउटर है इसके साथ भाई आपको कोई पीओई स्विच नहीं मिलेगा, इसको एज ए रेंज एक्सटेंडर के लिए ही बनाया गया है, वो एक प्रॉपर फाइबर कनेक्शन है, उसके साथ भाई जी आपको आउटडोर यूनिट की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, बट भाई जो एयर फाइबर के साथ है या फिर ये वाला एक्सटेंडर है ये वाला सेम ही राउटर है, ये आप बिल्कुल भी मन में वहम मत रखना, इसीलिए पहले बोल रहा था कि भाई नया एयर फाइबर लॉन्च कर दिया है, ठीक है, नया नहीं है भाई, सारा कुछ सेम ही है, बाकी भाई वो थोड़ा सा मैं मजाक कर रहा था, ठीक है, बट मेरे भाई ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी, बट मैंने ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी दिन पहले ही दे दी थी, बट फिर भी मेरे मन में आया कि एक सेपरेट वीडियो भाई बना देनी चाहिए, ताकि अगर भाई कुछ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं मतलब जियो मार्ट यानी कि इस एक्सटेंडर का जो जियो वाला है इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके परचेज करना है तो कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेना, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, टेल देना एवरी डे ऑलवेज स्माइलिंग, जय हिंद।